हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा सभी प्रभु जी और माता जी। मेरा टॉपिक है ईर्ष्या द्वेष। कुछ भक्तों ने बहुत अच्छा अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाया है और कुछ भक्त लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण भक्तों के बीच द्वेष है। हमें यह समझना होगा कि द्वेष आता क्यों है। जब भी हम किसी भी चीज़ की कामना करते हैं या हमारे पास नहीं होती है और वही वस्तु को या वही चीज़ को कोई दूसरा भोग कर रहा होता है, तो हमारे मन में भी भोग करने की इच्छा होती है। अगर वह चीज़ हमको नहीं मिलती है या दूसरा उसका उपयोग कर रहा है, तो हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न होता है। जैसे मान लो अगर किसी के अंदर भक्ति बढ़ रही है तो हमारे अंदर द्वेष आ जाता है। इसकी तो भक्ति बढ़ रही है और उसकी भक्ति बढ़ रही है तो उसने अपने गुरु की सेवा भी बहुत की है, गुरु की आज्ञा का पालन भी बहुत किया है, उनके हर इंस्ट्रक्शन का पालन किया है। तो हम यह भूल जाते हैं हमको भी इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। अगर उस द्वेष को हम दूसरी जगह लगा दें कि उसने क्या क्या किया जो उसकी भक्ति बढ़ रही है, तो हम उसे विनम्र भाव से पूछे कि तुम ऐसा क्या करते हो कि तुम्हारी भक्ति बढ़ रही है। अगर सामने वाला भक्त द्वेषी नहीं है तो वह सब कुछ बता देगा ट्रांसपेरेंट होके, लेकिन अगर द्वेष है तो वह भी नहीं बताएगा। और अगर उसने अपने अंदर द्वेष पाल लिया और नहीं बताया तो समझ लीजिए धीरे धीरे उसकी भी भक्ति गिरने लग जाएगी। एक तरफ तो माला कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, और दूसरा अपने अंदर द्वेष भी पाल रहे हैं, यह गलत है। अगर किसी दो भक्तों में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो तीसरे भक्त को बहुत मजा आता है कि देखो यह दोनों भक्तों आपस में लड़ रहे हैं, अब मुझे मौका मिल गया इन दोनों को अलग अलग करने का। तो यह क्या काम करता है, वह उस भक्त से भी बात करेगा, दूसरे भक्त से भी बात करेगा, पर दोनों की आपस में बिगाड़ देगा और अपनी चाहेगा कि मेरे दोनों भक्तों से बनी रहे। तो समझ लीजिए उसने बहुत बड़ा अपराध कर लिया है। अगर किसी दो भक्तों में किसी कारणवश मन मुटाव हो गया है तो उस भक्त की एक ही कोशिश होनी चाहिए कि दोनों के बीच में जो गलतफहमी है उसको दूर करे। उसके लिए वह अगर दोनों भक्तों से बात करता है, वह एक दूसरे की अच्छाइयों को गिनाता है कि देखो वह कितना अच्छा भक्त है, आपने उसे गलत समझा है, ऐसा नहीं है, खुद माफ़ी मांग ले दोनों के तरफ से कि मेरी आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ कि आप दोनों एक हो जाए, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हमें द्वेष से बचना है तो भोग की इच्छा को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। उसके पास है, वेरी गुड, भगवान ने उसे दिया है क्योंकि उसने बहुत अच्छे कर्म किए थे, मैंने नहीं किए थे तो इसलिए मुझे नहीं दिया। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे भी ऐसी सारी वस्तु चाहिए तो अभी मुझे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। इस जन्म में अच्छे कर्म करने पड़ेंगे ताकि अगले जन्म में उससे भी ज्यादा मेरे को मिले। तो अच्छे कर्म करने के लिए फिर मुझे फिर पालन करना पड़ेगा, गीता को पढ़ना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शन को पढ़ना पड़ेगा, गुरुओं से पूछना पड़ेगा कि क्या करना है। द्वेष नहीं लाना है अपने अंदर, और अगर भक्तों के बीच में द्वेष आ रहा है तो उस समय आप अपना मन किसी और अच्छे भक्त के साथ जोड़ दें, उससे पूछिए, क्योंकि पता लग जाता है। भोग लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं लग रहा हमारे अंदर द्वेष है, ऐसा नहीं है। आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर द्वेष है। आप किसी को लड़ाई करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो आपके अंदर द्वेष है। इसलिए ज़्यादातर यही कोशिश करनी चाहिए कि अगर दो भक्तों में मन मुटाव हो गया है तो उनसे यह ना पूछे कि क्यों हुआ, क्या हुआ, किस समय हुआ, उसने क्या बोला, कहीं आप दोनों में कुछ हुआ है, मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, आप दोनों एक हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उनके बीच की गलत फहमी को समझाइए, आप दोनों ही भक्त हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका बुरा चाहता हो। तो दोनों को समझाइए कि एक दूसरे का बुरा कोई नहीं चाहता, लेकिन हाँ किसी कारणवश उनके बीच में कुछ तमोगुण बढ़ गया होगा या अभिमान आ गया होगा। भक्तों के एसोसिएशन का बड़ा महत्व है। यही एक आदमी भक्ति में आगे जा रहा है तो उसे पूछे कि कैसे आगे जाना है, क्या करना है, तो दूसरा जरूर सहायता करेगा। भक्त है तो
लेकिन आप द्वेष करने लग जाते हैं, आप ऑर्डर देने लग जाते हैं, आपको आपके अंदर अहंकार आ जाता है, वही सबसे बुरी जड़ होती है भक्ति को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब उसे बचना है तो सिंपल तरीका है, गुरु के पास जाइए, उनसे अपने दिल की बात कहिए। द्वेष का मतलब है दूसरों का बुरा करना। द्वेष आया किस वजह से? उससे ज्यादा भोग करने की इच्छा से। अगर भोग करने की इच्छा नहीं होती या किसी का बुरा करने की इच्छा नहीं होती तो द्वेष आता ही नहीं। और अगर द्वेष आ गया है तो हम किसी ना किसी का बुरा करेंगे, लेकिन उसका बुरा कम होता है जिसके प्रति हमें द्वेष आता है, उसका बुरा ज्यादा होता है जिसके अंदर द्वेष आता है। भगवान भी गीता में द्वेष को ऊपर मानते हैं। अगर द्वेष आ गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कि आप भक्ति में आगे बढ़ पाए। भक्त केवल वही चाहता है कि भगवान कृष्ण की क्या आज्ञा है, गुरु की क्या आज्ञा है और हमको उसको कैसे पालन करना है। इसलिए आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, कभी भी कोई भी बात से किसी के प्रति द्वेष आता है तो प्लीज उसको निकाल दीजिए, उसको आगे मत बढ़ने दीजिए। हरे कृष्णा।